भाई जिन्होंने पहले वेद नहीं पढ़े, पहले वेद जो पढ़ लिया ना, सूक्ष्म मतलब इनका जिस्ट भी आता है, जरूरी नहीं कि वो संस्कृत भाषा में पूरा पढ़ें, सुन भी सकते हैं। वैसे बता देता हूँ, वेद जो है इनफैक्ट पढ़ने की चीज़ है ही नहीं, सुनने की चीज़ ही है, सुना ही जाता है उसको, और हमें लगती हैं स्टोरीज, हमें लगती हैं सब। कितने लोग आए हो रामेश्वरम गए हो? दो। और आप जब वहाँ जाके पता लगेगा कि यार ये पुल क्यों है, सच में है या नहीं है, आप बता सकते हैं इसके बारे में थोड़ा सा फटाफट? चलिए, वहाँ पे इसके पीछे क्यों पड़े हुए लोग, इसको तोड़ दो, मालूम है भैया? पुल है, पानी के ऊपर, इसके ऊपर है, इसके ऊपर से शिप जा नहीं सकता क्योंकि नीचे अटक जाता है। अगर उसको डिसमेंटल कर देंगे, तोड़ देंगे, तो पानी आ जाएगा, तो शिप चला जाएगा। ये स्टोरी है ना। बट उसके पीछे में जो परमाणु बम बनाने के लिए मटेरियल चाहिए होता है ना, वो सारा मटेरियल उसमें है, इसलिए वो जो है ना, वो लोग बोलते हैं कि इसको तोड़ेंगे तो ये हिंदुस्तान डैमेज हो जाएगा अपने आप ही, इसके पीछे की जो सियासत है। और पूरा इसका आर्किटेक्चर सिस्टम समझना हो कि वो कैसे कैसे बना था, कौन कौन से मटेरियल उसमें लगे थे, कितना समय लगा था, कितने कोस लंबा है, ये सारा कुछ बताने के लिए कुछ एक वर्कशॉप वगैरह लेने का मन होता है, बार बार रह जाता है, क्योंकि ये सीधे सीधे आपके काम की चीज़ होती नहीं, इससे आप पैसा बना नहीं सकते। आपको लगेगा ज्ञान की बातें हैं, पैसा ज्ञान से भी बनता, मैं वैसे बता दूँ, कितने माला, कितने उसमें है कमल, कितने प्रकार के शंख, कितने प्रकार के उसकी भस्म, कितने प्रकार की, किससे उससे कैसे रेमेडी की जा सकती है, वो सारी चीज़ें। यहाँ पे थे, कौन थे, आप आए हो ना पंजाब से, कल आप पूछ रहे थे, मुझे याद दिला देना, इन्होंने कल बात की थी, भूल जाऊँगा, मैं ही बता देता हूँ। अगर किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर बार बार लोन हो जाता है, कर्जा हो जाता है, मंगलवार को कर्जा नहीं लेना चाहिए, ठीक है? मंगलवार को ही लोन देना भी नहीं चाहिए। आपने मुझे लोन दिया, मैं भी नहीं चुका पाऊंगा, मेरे बेटे को चुकाना पड़ेगा। ना देना चाहिए ना लेना चाहिए, मतलब मंगलवार को ही ब्लड डोनेट भी नहीं करना चाहिए। उतार सकते, वापिस दे सकते, चुका सकते हैं।